22 पार्ट इंजन में थोड़ी डोर होता है। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि तुमको दिख रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो हम इसको धीरे धीरे करके याद रखेंगे। तो विल गो 1 to 10 पहले। ठीक है, कि 1 से 10 पार्ट हम लोग कैसे याद रखेंगे। पहला पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो दिस इज बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन को चैप्टर्स में बांटा गया है। तो पार्ट वही है कि इस चैप्टर में इसकी बात होगी, उस चैप्टर में उसकी बात होगी, ऐसा है। ठीक है, कुछ चैप्टर इनको बाद में याद आते हैं, ऐसे बाद में आए, जैसे फिर ये 11 से जैसे इसमें आए, ये दोनों बाद में, म्यूनसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल्स, इसमें वापस इसमें बाद में आए, पार्ट टू में, ये वाले पार्ट में। फिर इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो यही बात है कि इनको कुछ चीजें थोड़ी बाद में याद है। अब हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि पार्ट वन में क्या दिया हुआ। पार्ट वन में दिया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, ये जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारे आगे लिखे हुए हैं इसके, तो उसको तुम नोट डाउन कर सकते हो। तो ये वीडियो जब भी तुम देखो तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी इसकी, तो क्योंकि अभी मैं पॉज करके तुमको टाइम दूंगा, तुम नोट डाउन करो तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए पहले मैं अभी कर लेता हूँ। तो एक बार जब क्लास की रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आ जाए तो इसको नोट डाउन करना, सारी A to Z सारे पार्ट्स लिखना एंड इसके आगे के नोट्स बनाना। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, क्या है, कैसे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लो, तो हो जाए तो बताना। ले लिया भैया, समझ लिया? हो गया भैया। नीचे का भी ले लो। हुआ है नहीं बताना पड़ता है। हो गया भैया, हो गया भैया, हो गया भैया। ये भी लो। हो गया भैया, ले लिया हो भैया। गया। ठीक है, तो इसका तुम प्रॉपर ऐसे के ऐसे ही एग्जैक्ट तुमको लिखना है जैसा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ तुमको। पार्ट वन जो है पूरे अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन चालू हिस्से होता है, ये हमारा देश कहाँ है, क्या है, उसकी टेरिटरीज क्या है, उन्होंने उसमें ये बताया। तो ये हो गया तुम्हारा टेरिटरीज, कंट्री एंड टेरिटरीज। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया कि हमारा यूनियन क्या है, हमारी टेरिटरीज क्या है, ये सारा। ठीक है, सेकंड में बताया कि हमारे देश के लोग कौन है, कौन कैसे एक सिटीजन कहलाएगा, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, क्या कैसा, A to Z। ठीक है, पार्ट थ्री में दी गई है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पार्ट थ्री बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 12 से 35 ये है। अब DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर गिवन इन द फोर्थ पार्ट। अब इनको बाद में याद आई कि यार फंडामेंटल ड्यूटीज भी देनी होती है। ठीक है, तो वॉट एवर थिंग यू फाइंड आउट के उसके आगे ए लिखा है, बी लिखा है, किसी नंबर के आगे, इस ए का मतलब होता है इट इज इंसर्टेड बाय एनी अमेंडमेंट। ठीक है, याद रहेगा? जी भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, जैसे मैंने नीचे तुमको बताया था कि बाद में याद आई ये चीजें, इधर भी ए और बी लिखा हुआ है, मतलब ये भी बाद में है। ठीक, ये भी बाद में है, तुमको दिख रहा है ए लिखा हुआ। कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हें कहीं भी दिखेगी, अगर उसके आगे ए बी ऐसा कैपिटल में लिखा हुआ है तो वो बाद में आया है। ठीक है, कैपिटल ए इज अमेंडमेंट एंड छोटा ए इज सब क्लॉज। सब क्लॉज पता है तुम लोगों को क्या होता है? हाँ भैया, इसी के आगे कुछ कंटिन्यूशन में एक ऑप्शन है इसका छोटा नीचे। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में आई। अब ये तुम लोगों का काम है ये ढूंढना कि कौन से अमेंडमेंट से आए, किस साल आए। ठीक है, क्या तुम्हें पता है? पता है नहीं पता है? 42 से ही आया था भैया, शायद 42nd फंडामेंटल अमेंडमेंट से ड्यूटीज आया था फोर्टी एंड इट टू वाज एडेड इन 1976। यस भैया, लिख लो।
फंडामेंटल ड्यूटीज, तभी वो अमेंडमेंट भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट वॉज एडेड इन 1946, 1976. ठीक है, यहां तक सब लोग साथ में हो. इतना सारे में है, चार पांच पार्ट्स बता दिए मैंने. ठीक है, आया ना. हाँ भैया, भैया हाँ भैया, फिफ्थ पार्ट पे हम चलते हैं. तो इट टॉक्स अबाउट यूनियन. यूनियन क्या है? ठीक है, सब पे आएंगे धीरे धीरे, सब पे सबको डिस्कस करेंगे जो जो रेलेवेंट होगा. ठीक है, फिर सिक्स्थ पार्ट है स्टेट. अगेन स्टेट क्या होता है? फिर सेवेंथ पार्ट है स्टेट का पार्ट बी ऑफ स्केड्यूल वन. ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा हम उसको बढ़ते टाइम स्किप करते जाएंगे. ठीक है, अभी बस तुम याद समझ लो कि स्टेट का पार्ट बी ऑफ स्केड्यूल वन है. उनको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है पार्ट बी, पार्ट बी, पार्ट बी, बार बार पार्ट बी सुन के याद रखना है. ठीक है, यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? ठीक है, तो कहाँ से उसको डिफाइन करोगे, क्या स्पेशल पावर्स होती है उसकी, वो दिया हुआ है पार्ट एट में. ठीक है, उसके बाद पंचायत क्या होती है, इन्होंने पंचायत बता दिया था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भूल गए थे तो वो बाद में ऐड करा. ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी भूल गए थे, तो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में इन्होंने डिफाइन किया है. फिर उसके बाद सब एरियाज बताए हैं, वो बताया है चैप्टर 10 में, मतलब पार्ट 10 में. ठीक, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए साइड में हमने बनाया कोड वर्ड्स. अब कोड वर्ड्स क्या है, कैसे काम करते हैं वो बताता हूँ. पहला है यू, दिखा है, दिख गया तुम लोगों को, समझ में आया. ये है सी, ये एफ, डी, आई, ड्यूटीज में आई आता है, यू, एस, बी, यू, पी. स्पॉट करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो. से तुम स्केड्यूल याद रख लो, आगे है याद रखना है. इसका मतलब ये है कि यूसी एफडीआई में यूएसबी यूपी से आगे है. ठीक है, इट इज लाइक यू आर सेइंग टू समवन कि यूसी एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यूएसबी. अब बी को तुम भी पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, सेंटेंस इज मेकिंग सेंस. यूएसबी यूपी से आगे. इस सेंटेंस को जरा चार लोग रिपीट करो. करो क्या समझा है? UCBI USB से UP में आगे है। बी आई हाँ कुछ गलत नहीं बोल रही हिमांश? बताओ आवाज नहीं आ रही. समझ रहे या UCFDI USB UP से आगे। एफडीआई के आगे तुम एक अपना वो ऐड कर सकते हो कि एफडीआई में. ठीक है, यहाँ पे अगर तुम लिख लो इसको यूसी, इसको तुम्हें ऐसे रीड करना है यूसी एफडीआई में यूएस भी यूपी से आगे है. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट. ये है पर्टिकुलर सेंटेंस का फॉर्मेशन. तुमको एक कहानी याद रखनी चाहिए बस, कि हम किसी से बोल रहे हैं यूसी एफ डी आई में यूएसबी यूपी से आगे. ठीक है,
ये कहानी तुमको याद है, तुम किसी से बोल रहे हो, कौन सुनाएगा कहानी किसको? टिया। UCFDI में US भी UP से आ गया है। एक तक गया गुजरा यूपी के, यूएस ज्यादा अच्छा है। यूएस ज्यादा अच्छा। अच्छा तो अग्रिमा। UCFDI में US भी UP से आगे है। नाउ हमको ये पता है कि हमारे UCFDI ये हो गए टॉप 5। ठीक है, यू से मेरे को क्या मिल गया, यूनियन अपना वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, UCFDI ये हो गया मेरा टॉप 5। ठीक है, यू से मैं भी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे सामने भी तुम्हारी वाली स्क्रीन खुली हुई है। यू से मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्या याद रहेगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सी से मुझे क्या याद रहेगा, सिटीजनशिप। ठीक है, तुमको एक कॉमन सेंस ये लगाना है, यू से क्या चालू हो रहा है देश में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, पहली बात उसकी जमीन, दूसरी बात उसके लोग, उसकी पॉपुलेशन। तो यू से क्या हुआ, उसकी टेरिटरीज क्या हुआ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, दूसरी चीज उसके लोग मतलब उसकी सिटीजनशिप, और FDI मतलब एफ से, तो Part 3 फंडामेंटल राइट्स, Part 3 फंडामेंटल राइट्स। ये तो रट के पी जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही 10 बार आ चुका है 10 तरीके के पेपर्स में। Part 3 इज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मतलब 12 से 35, 12 से 35 इज 12 to 35, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। कौन रिपीट करेगा ये Part 3, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, कौन रिपीट करेगा? गौतमी। Part 3, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और इससे पहले वाली दो क्या पढ़ी थी हमने, पहली वाली पढ़ी थी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और दूसरी वाली थी सिटीजनशिप। ठीक है, यू सी एफ तक आ गए हम। ठीक है, डी और आई का मतलब कौन बताया, डी और आई अगर मैं कॉमन से लगाऊं कि यार फंडामेंटल राइट्स के बाद एक यूजलेस सी चीज देखेंगे, क्या थी, डीपीएस। ठीक है, तो डी और आई आ गया मेरा, एक डी से तो हो गया डीपीएसपी, आई का मेरी कहीं ड्यूटीज मैच हो रही थी तो वो अमेंडमेंट से आई थी 1976 में, तो फंडामेंटल ड्यूटी था मेरे टॉप 5 मेरे हाथों पे। कोई तुमसे कभी पूछ ले UCFDI तुमको सीधे याद आ जाए। ठीक है, मे हमने ऐसे बीच में लगा दिया था, अब हम आ गए FDI मे, किससे आ गए, यूपी से। अच्छा मतलब यू और पी से कुछ आने वाला है। ठीक है, यू से शायद हमने देखा था कि क्या देखा था, यूनियन यूनियन। यूनियन ठीक है, पी से क्या देखी थी हमने, पंचायत। एस होगा ना यूएस कहीं, आप से एस होगा पहले यूएस का। हुई है, हाँ यूएस से। हाँ हाँ तो उससे क्या देखा था हमने, स्टेट शायद स्टेट। यू है ना, हाँ यूएस से आगे एस से, एसी से हमने वो देखा शेड्यूल क्लास का, शेड्यूल ट्राइब्स। भैया बीए होगा। मैं यहाँ था आई पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे, यूएस बी यूपी से आगे है। ठीक है, तो ड्यूटीज तक तो हम लोग बिना किसी शंका के पहुंचे थे, यू से हम आ गए यूनियन पे। ठीक है, अब यूएस, पहले मैंने बात करी यूएस की, उसमें हम आ गए यूनियन पे कि ठीक है मेरा Part 5 इज यूनियन। फिर उसके बाद अगले 9 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो बाकी के जो है वो बाद में आए थे तो उसको हम अलग से ही पढ़ते। ठीक है, तो ड्यूटीज तो एक बीच में अमेंडमेंट से आया इसलिए उसको गिनना पड़ता है, क्योंकि बड़ी चीज है वो। बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं यूएस बी यूपी से आगे। आगे है इज नॉट योर मैटर ऑफ कंसर्न, बट यूएस बी यूपी से ये तुम्हारा मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो यूएस बी यूपी से, यूएस बी यूपी से, यूएस बी यूपी से, यूएस मतलब यूनियन स्टेट। ठीक है, यूएस तुमको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे, याद रह जाएंगे, क्योंकि एक स्टेट होता है, एक उसका क्या होता है सेंटर, है ना, हाँ है ना, हाँ हाँ सेंटर भैया, हाँ का भैया, दूसरा नाम क्या है, यूनियन। ठीक है, हमने पहले यूनियन की बात करी तो अगली किसकी बात करनी है, स्टेट की। ठीक है, तो यूएस हमेशा साथ में जाएगा, यू मतलब यूनियन, एस मतलब स्टेट्स, बी से हमने क्या जोड़ा था, Part B।
पार्ट बी पार्ट ऑप्शन बी में ऑफ स्टोरेज। दिख जाएगा, तो बस पार्ट बी याद रखना, बी से बी है और कुछ ही नहीं। ठीक, फिर उसके बाद USB यूपी से, ठीक है यूपी आ रहा है, यूपी से एक और यू क्या था? यूनियन टेरिटरीज, यूनियन यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी। पी से तो पंचायत है, सीधा सीधा पी तो तुम्हें सीधा सीधा याद रहे, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस से मतलब शेड्यूल ट्राइब्स देखा था हमने और सब एरियाज, ठीक है यूपी से आगे मतलब तुमने 1 से 10 पूरे याद कर लिए। ठीक है अब मुझे ईमानदारी से बिना नीचे देखे कौन पूरे पूरे 10 बताएगा एक बार अच्छे से? गौतमी, भैया मतलब एक वो लाइक फर्स्ट में है यू, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। मुझे पहले कहानी सुनाओ तुम किससे क्या बोल रहे हो। अच्छा यू सी एफ डी आई में यूएसबी यूपी से आगे है, उसमें यू जो है भैया वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है, फिर सी सिटीजनशिप है, फिर एफ फंडामेंटल राइट्स है, डी डीपीएसपी, आई है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद वापस जो यू है वो यूनियन, एस स्टेट, बी है पार्ट बी ऑफ दिस मतलब स्टेट्स ऑफ पार्ट बी, और उसके बाद का यू यूनियन टेरिटरीज है, पी पंचायत है, और से जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स है। अच्छा तो एक काम करो मैं एकदम रैंडम पूछूंगा, तुम सब लोग तुरंत अनम्यूट कर दो, सब अनम्यूट करके बैठो, सुरन चिल्ला, ठीक है ठीक लाइन से सब लोग अनम्यूट कर लो। व्हाट इज द पार्ट 5? भैया पार्ट 5 फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन यूनियन ये फंडामेंटल ड्यूटी बेटा वो 4A है, पार्ट 5 नहीं है। सीक्वेंस में 5वें नंबर पे आ रहा है तो पार्ट 5 नहीं हो जाता वो। ये वो हमेशा याद रखना है कि हमें अपने मत मिलाइए, हम अलग हैं, वो अलग है। अब बताओ तुम्हारे टॉप 5 क्या है? सीक्वेंस में बताओ, टॉप 5 पार्ट्स नहीं, सीक्वेंस में बताओ क्या है। सिटीजनशिप, फंडामेंटल है, डीपीएसपी और उसके बाद यूनियन, मतलब यूनियन तो हाँ 5th है। पंचायत लास्ट के दो कौन से बच रहे थे? एंड शेड्यूल ट्राइब्स, पंचायत एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल टाइम। और इस पूरे सिचुएशन में हमने किन दो लोगों को लिया ही? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 9A और 9B। 9A 9B याद रखना, ठीक है। क्लास 9A और 9B के बच्चों का एडमिशन बाद में हुआ, ठीक है ठीक हाँ भैया ओके चलो। ये इतना समझ में आ गया तुमको, ये याद रहेगा। तुम एक बार देखो, इसको रटना ही है तुमको बस, ठीक है। ये मैं रटवा ही रहा हूँ, तुम्हें रटना ही है, तो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि हमने जो फ्लैट की प्रिपरेशन के टाइम पे रटा था वो हमको आज तक 4th ईयर में आ गया। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कब का कब निकल गया, लेकिन दिमाग में एक छाप अभी तक लगी हुई, ठीक है। तो अगर यहाँ रट लोगे तो क्या पता लाइफ टाइम ये चीज याद रह जाए, ठीक है। तो तुम्हें क्या एक पेपर निकालना है या फिर लाइफ टाइम लॉ पढ़ना? लाइफ टाइम लॉ पढ़ना लाइफ है। लाइफ टाइम लॉ पढ़ना तो हम केवल पेपर के लिए क्यों पढ़े, हम तो लाइफ टाइम के लिए पढ़े। सही है, ठीक जी भैया। है। तो ये हो गया तुम्हारा पार्ट 1 से 10 कंप्लीट, ठीक है। यहां से तुमको याद हो जाएगा। अब इसका तरीका क्या है कि मैं इसको याद रखूंगा, रखूंगी कैसे? तुमने आज पढ़ा ये क्लास में, फिर तुम इसको पढ़ोगे क्लास के बाद। कितनी बार पढ़ोगे? 4 बार, जो भी पढ़ा रहा हूँ अभी आगे और है, ठीक है। इसको 4 बार पढ़ोगे, ये निपटा दिया तुमने क्लास प्लस क्लास के बाद, ठीक है। प्लस आज रात में सोने से पहले, बिल्कुल सोने से पहले, इसके बाद कुछ नहीं।
ये पढ़ा फिर फोन चला लिया फिर मम्मी से बात कर लिया फिर इधर चलेगा उधर चलेगा ये कॉल आ गया ये नहीं ये पढ़ा बुक बंद कर कॉपी बंद करी सो गए। फिर कल क्लास होगी 5 बजे फिर से तुम उठते कितने बजे हो क्लास के पहले 4:40, 4:40, 45 मतलब तुम पांच मिनट पहले टेक्निकली 15 मिनट पहले उठते हो ठीक है तो तुम उठो 25 मिनट पहले 10 मिनट इसके लिए निकालो क्लास के 10 मिनट पहले ये अगर तुमने कल और पढ़ लिया तुम्हारे दिमाग से निकलेगा इतना पढ़ने के बाद कभी भी हो जाएगा सबसे। हो जाएगा। हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, भैया, क्लास के बाद 4 बार भैया वो 9A और 9B और एक बार समझा दीजिए ना। अच्छा क्लास 9th और 9th के बच्चों का एडमिशन बाद में हुआ है तो अब ये बताओ सी पहले आता है कि एम पहले आता सी है। एक गाली बन सकती है इससे लेकिन मैं बनाना नहीं चाहूँ वो वैसे वैसे भी आ सकते हो तुम लोग लेकिन ठीक है। तो हाँ सी पहले आता है कि एम पहले आता है वैसे तो सी आता है लेकिन इधर एम पहले आएगा तो अल्फाबेटिक सीक्वेंस में ये उल्टे हैं लेकिन 9A में एम पहले आया 9B में सी बाद में आया ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इंतजार कर लिया कि पहले आप क्योंकि तो वो कोऑपरेटिव उनको जल्दी नहीं थी। ओके ये हो गया यार आगे चले हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, अब हम चलते हैं छोटे से पार्ट में विच इज पार्ट 11 to 16। 11 to 16 में किस चीज की बात करी गई है। 11 to 16 में बात करी गई है पहली बात तो इसमें तुम्हें सारे आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट नहीं और जब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आर्टिकल्स 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 अब मुझे कोई ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शंस क्यों नहीं आर्टिकल्स क्यों। ये काफी फंडामेंटल चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। इकलौता डॉक्यूमेंट पूरे देश का जिसमें आर्टिकल्स यूज होते हैं। आर्टिकल्स और सेक्शंस कितने हैं वो बताना है। आर्टिकल क्यों बोलते हैं सेक्शंस क्यों नहीं सेक्शन तो है नहीं कितने सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कोई सेक्शन ही नहीं। आर्टिकल तो 395 है हमें पता है बताओ बताओ लिख लो। इसका मतलब ये है कि विच एवर इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ एनी कंट्री जिसके बेसिस पे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपना एसेंस ड्रॉ आउट करते हैं ठीक है उसमें हमेशा आर्टिकल्स होते हैं एंड नॉट सेक्शंस। कल हमने जैसे कल की क्लास में पढ़ा कि प्रियम्बल इज द एसेंस ऑफ इंडिया इंडिया एंड इट्स डाइवर्सिटी ठीक है तो ऐसे ही द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एसेंस ऑफ इंडिया एंड इट्स डाइवर्सिटी एंड ऑल अदर लॉज विच आर डिराइव्ड इन द कंट्री। कुछ भी लॉ बनता है देश में ठीक है वो इसी के कॉन्सोनेंस में बनता है कि अगर राइट टू लाइफ है तो मैं ऐसा ऐसा लॉ बनाऊं ठीक है इसी को देख के बनता है तो एसेंशियली दिस इज द बाप ऑफ ऑल लॉज दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। यही तो पूरी नींव है ठीक है। जब भी कोई इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आगे कुछ बनना हो पहले कुछ बन चुका हो लेकिन ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है देश का उस डॉक्यूमेंट में ही आर्टिकल्स होते हैं बाकी सब जगह सेक्शंस होते हैं। सारे एक्ट उठा के देख लो किसी में आर्टिकल नहीं होगा कभी उसमें हमेशा सेक्शन होगा बात समझ गए हाँ भैया, लिख लिया सबने। हाँ भैया, एक बार वापस बताइए ना क्या लिखना। लिखना है कि बिकॉज इट इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री ऑल अदर लेजिस्लेशंस आर ईदर बीइंग ड्रॉन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और आर इन कॉन्सोनेंस विद दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। ठीक है हो गया चलें आगे हाँ भैया, बाकी लोग सो रहे हैं हाँ भैया, चलते आगे। आगे क्या चलते समझ में नहीं आया अनुष्का।
अनुष्का डॉक्यूमेंट से क्या? अच्छा, डॉक्यूमेंट से ये मतलब है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि हमने कल की क्लास में पढ़ा कि प्रियम्बल जो है इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द एंटायर आइडियोलॉजी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट टॉक्स अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री. हम राइट टू लाइफ देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, इसी के कॉन्सिक्वेंस में सारे लॉज बनाएंगे. तो एक ये जो तुम हायरार्की देखते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूं कि ये है कॉन्स्टिट्यूशन, अरे यार ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, इसके बाद ये सारे लॉज बने इसमें से निकल निकल, या फिर इसके पहले से तो थे लेकिन वो अमेंड होके इसके जैसे बन गए. ये जो सारे लॉज हैं देश में, कम से कम हजारों लॉज होंगे देश में, हजारों बेल एक्ट्स होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं, वो सारे यहीं से इमर्ज आउट होके बने हैं या फिर इसके कॉन्सोनेंस में. तो ये डॉक्यूमेंट इज देयर फॉर कॉल्ड द बाप ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड हेंस द बाप ऑलवेज हैज आर्टिकल्स एंड नॉट सेक्शंस. समझिए अनुष्का, हाँ भैया, बाकी सब कुछ समझ आ गया? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक. अब हम चलते हैं पार्ट 11 पे. तो पार्ट 11 में हमने देखा कि जो पार्ट 11 है, रोमन न्यूमरल सबको आते हैं, किसी को इससे दिक्कत नहीं? आती है भैया, आती आते हैं भैया, है भैया। मतलब अभी मैथ पढ़ाने बैठूंगे, ठीक है. तो रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, स्टेट आपस में कैसे रिलेशन रखेंगे, कौन कैसे बात करेगा, क्या होगा, कैसा होगा, वो बताता है ये 11. 12 जो है वो बताता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स वगैरह क्या होता है. तो इसका थोड़ा तुम्हारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट आ जाता है 264 से 30, ठीक है. ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ठीक है, ये कंट्रीज नहीं, स्टेट्स एंड ऑल सब लोग आपस में कैसे बात करेंगे. इंटरकोर्स बेसिकली आपस में आपका सारा सब कैसा रहेगा, ठीक है. कॉमर्स मतलब बिजनेस, ट्रेड अगेन मींस बिजनेस, ठीक है. फिर उसके बाद सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, क्या क्या सर्विसेज रहेंगी यूनियन की भी और इन स्टेट्स की भी, ठीक है. फिर उसके बाद इलेक्शंस कैसे होंगे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए. पार्ट 15 इलेक्शन, पार्ट 15 इलेक्शन, इसका तो ये भी अगर हो 324 to 329 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्शन बहुत बड़ी चीज है, ठीक. स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है, ये भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको अपन ने नीचे ही रख दिया, और वैसे भी नीचे ही आ रहा है. फिर भूले भटके लोगों ने ट्राइब्यूनल्स भूल गए थे यहाँ पर, तो वो डाला, कह रहे ट्राइब्यूनल्स तो भूल ही गए, उसमें भी तो कुछ हो सकता है, वो कैसे गवर्न होंगे, क्या होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा उनको स्टैब्लिश करने का, क्या कैसा रहेगा पूरा स्टैट्यूटरी बॉडी कैसे बनेगी उसकी, वो सारा इसमें दिया हुआ. ये कौन सा है आर्टिकल, कौन पढ़ के पढ़ता है, कौन सा है, XIVA 14 14 है, 14 14 है, 14 ठीक है. अब इसको याद कैसे करेंगे, इसकी एक कहानी. रेफी नाम का एक लड़का है, क्या नाम है लड़के का बताओ? रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड फाइनेंस रेफी प्रॉपर्टी, ठीक है. इसके शहर में चलती है ट्रैम, ठीक है, ये जा रहा है वोट देने, तो वो कहाँ जाएगा? इलेक्शन बूथ, वोट ऑनलाइन के जमाने में भी नहीं होता, तो वो इलेक्शन बूथ पे स्पेशली गया है. जैसे आप गए थे 30 किलोमीटर. अब मेरा ही केस मान ले. तो रेफी का आर ई मीन्स रिलेशन, एफ आई मीन्स फाइनेंस, ट्रैम का हम टी आर से टी आर लगा सकते हैं यहाँ पर, ट्रेड से हम सर्विसेज लगा सकते हैं, इलेक्शन बूथ तो साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्शन ही है, पे स्पेशली है, स्पेशली उठा लो यहाँ से, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, दिस इज कंपेरेटिवली इजियर देन पार्ट 1 to 10. ये तुम्हें याद रहेगा बहुत अच्छे से, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, हाँ याद रहे. भैया, अब बताओ भाई क्या कहानी. देन रेफी ट्राम से इलेक्शन बूथ पे स्पेशली गया,
ब्रेक डाउन करो इसको। रेफी का था रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, फी रेफी फाइनेंस था, और उसके बाद ट्राम का ट्रेड एंड कॉमर्स था, और आगे नहीं याद है। ट्रेन से से सर सर्विसेज, सर्विसेस था कुछ आगे, उसका याद नहीं है। इलेक्शन से तो इलेक्शन बूथ से तो इलेक्शन है, और पे स्पेशली गया तो स्पेशल प्रोविजंस था कुछ इस टाइप से। एक और कोई बंदा इसको रिपीट कर दो। अनिंदिता भैया ये जो है रेफी ट्रैम से इलेक्शन बूथ पे स्पेशली गया, तो रे से रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, फी से फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड ट्रैम से TRM, उससे ट्रेड, कॉमर्स इंटरकोर्स, से सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, फिर इलेक्शन बूथ से तो इलेक्शंस एंड पे से स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन टास्क, फिर वो स्पेशली गया वो हम ऐड कर लेते हैं। स्पेशली गया कि स्पेशल में ही है स्पेशल। हाँ, स्पेशल से आती है। हाँ आलिया बजने का सीन हो रहा था अभी। ठीक है, तो क्या ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ तुम लोगों को इटली याद हो जाएगा? हाँ भैया, भैया हाँ भैया। ठीक है, तो पार्ट 11 से 16 ने हमको ज्यादा तकलीफ नहीं दी, तो इसके बाद एक चीज और है 14A, ये तुम याद रख लोगे। ट्राइब्यूनल्स 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 कौन से? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल वो ट्राइब्यूनल, इसका किसका क्या खोलना है वो यहाँ से आता है। ठीक है, ट्राइब्यूनल सारे के सारे। पार्ट 14 में आपने 2 बार द लिखा है, तो 2 बार लिखना है क्या? कहाँ? नहीं भाई, सर्विसेज अरे अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। नहीं, दो बार नहीं। ठीक है, और इसको भी ट्राम को तुम पूरा ही कर लो, TRA से रिलेवेंट हो जाएगा वो, ट्राम का TRA ट्रेड। ठीक है, ये हो गया याद, अगले पे चलें। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया भैया। अब अपना केवल लास्ट पार्ट बचता है, विच इज 17 से 22, दैट इज 17 to 22। ठीक है, तो काफी इजी। इसमें हमने क्या बताया है कि पार्ट नंबर जो अपना 17 है, उसमें हमने बताया लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन सी क्या होगी क्या होगा, उनको लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, लैंग्वेजेस के बारे में सिंपल चीज, ये तो मैंने पहले दिन ही याद करवा दिया था, तुमको सबसे ज्यादा यही याद होगा। 352 में +4 +4, 352 इज नेशनल इमरजेंसी, 356 इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तुम्हें ये तो याद होगा, हाँ पहले भैया, दिन करवाया था भैया तुमने। ठीक है, 352 याद रखो, +4 +4 में दो बाकी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ये हो गया, तो ये इमरजेंसी भी काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, पचा पुचा जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें मिसलेनियस में डाल दिया। ठीक है, इफेक्टिवली एसेंशियली यहाँ पर 367 के अंदर सब कुछ खत्म हो गया था, बाद में उन्होंने आलतू फालतू चीजें डाल दी। ठीक है, ए से अमेंडमेंट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कौन से वाले आर्टिकल के अंदर है अमेंडमेंट। सो तुम्हें 368 तो दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए कभी भी, हमें भी रटा पड़ा हुआ है 368 अमेंडमेंट 360, क्योंकि एक होता है वैसे भी, ज्यादा दिक्कत नहीं है। पार्ट 20, ठीक है, अमेंडमेंट याद रखना है कुछ भी हो जाए, बाकी सब भूल जाओ, लेकिन इमरजेंसी अमेंडमेंट तुम्हारे दिमाग से निकलना चाहिए। ठीक है, अब टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन से था कोई फालतू, ठीक है, तो वैसे भी बोल रहा हूँ तो बच्चे कुछ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इतना कोई खास वैसे भी नहीं, तो ये तो बस नाम के लिए याद रखना है, ये टेम्पररी ट्रांजिशन है, टी से इसको याद रख लें। फिर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, रिपील क्या क्या हो चुका है, ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे कुछ अगेन वो लास्ट में डाल दी। इसको याद कैसे करोगे? बहुत ज्यादा इजी, एल से लैंग्वेज, ई से इमरजेंसी, एम से मिसलिनियस, ए से अमेंडमेंट,
टी से टेम्पररी, कमेंसमेंट से कमेंस, समझ में आ गया किसको क्या दिया हुआ है? हाँ भैया। अरे हाँ भैया, हाँ भैया, जीमेट क्लब था वैसे, एलिमेट कॉमन कमेंट्स हो गया। ये है सेंटेंस। लीगल एज मत चालू करना, ठीक है? तुम क्लैट की कोचिंग कर रहे हो तो एली मत कमेंट्स करना, ठीक? मत एली मत मत कमेंट्स, ठीक है? ये हो गए तुम्हारे यहां तक के 395 के 395 आर्टिकल कवर। कॉन्फिडेंस तुम्हारा खत्म। अब बताओ मुझे, क्या तुम एली को कमेंट्स करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे, नहीं जो लोग कर चुके हैं बेचारे, करेंगे। टिया जैन, एली मानो तुम, हाँ गुड, उल्टे हो गए तुम। तो हाँ, एली मत कमेंट्स करना, को तोड़ के बताओ, टिया ही बताएंगे, दिल पे पत्थर है। एल से लैंग्वेज, ई से इमरजेंसी, एम से मिसलेनियस, ए से अमेंडमेंट्स, टी से टेम्पररी, सॉरी, ट्रांजिशन, टी से, हाँ, टी से टेम्पररी ट्रांजिशंस, और सी से कमेंसमेंट या फिर कमेंस। अरे वो बीच का वर्ड है, पूरा बोल। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, ठीक और शॉर्ट टाइटल कमेंस। है, ये याद हो गया सबको। एक और कोई बोलेगा? छायांशी, एली मंथ, एली का ए लैंग्वेज होगा, ई का इमरजेंसी, एम का जो भी मिसलेनियस होगा, ए में अमेंडमेंट, टी में टेम्पररी और ट्रांजिशन, और कमेंस में कमेंसमेंट, और एक अथॉरिटी होता है और एक शॉर्ट टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, ठीक है। क्या ये सबको याद हो गए? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ भैया, कोई एक बंदा मुझे पूरे तीनों चीजों के सेंटेंस बता दो, उस क्या कहते हैं। वंश, UCFDI में US UP से भी आगे है। अरे अरे हाँ, अरे, यूएस भी यूपी से आ गए। UCFDI में US UP से भी आगे है। फिर उसके अब बाद ये एक बार सब लोग अनम्यूट करके ताली बजा दो। दो बार बताने के बाद भी आपको नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। हेलो, हाँ, फिर से बोलो। फिर से। UCFDI में US भी UP से आगे है, ठीक हाँ, फिर इसके बाद वाले दो। है। फिर उसके बाद दूसरा बनेगा, रेफी ट्रैम से इलेक्शन बूथ पे स्पेशली गया, ठीक है। फिर उसके बाद बनेगा, एली मत कमेंट्स करो। करना जो भी लगा रहा उसका, हाँ, एली मत कमेंट्स करना। ठीक है? ये तीन यस सेंटेंसेस ही याद रख लो तो तुम्हारे 1 से लेके 22 तक का पूरा कॉन्फ्यूजन निपट गया, ठीक है? और इसके बाद हमने तीन चीजें एडिशनल पढ़ी थी, वो कौन बताएगा? गीतिका, भैया, क्लास 9A और 9B के बच्चों का एडमिशन बाद में हुआ, और तो ट्राइब्यूनल उन बच्चों सॉरी, का नाम क्या था, म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज। क्या नाम रखा है बच्चे का, म्युनिसिपालिटी, ठीक है। तो उसके बाद एक और बच्चा आया था बाद में लेट, हाँ, 14A ट्राइब्यूनल्स। ठीक है। क्या हम सबको पूरे 22 पार्ट याद हैं हाँ इकट्ठे? ठीक भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, भैया, है, चलो अब हम चलते हैं जरा कॉन्स्टिट्यूशन पे। व्हाट इज द पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या एग्जैक्टली दिया हुआ है इन सब पार्ट्स में और इन सब के आर्टिकल्स के अंदर। अब हम एक एक करके आर्टिकल्स उठाएंगे।
ठीक है। तो आर्टिकल नंबर वन पे आते हैं, आर्टिकल नंबर वन क्या क्या है। आर्टिकल नंबर वन जो है इट सिंपली सेज कि हमारा नाम क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अब तुम अगर कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे उसमें एक सिंपल सीधी सीधी वर्डिंग दी है, इंडिया दैट इज भारत। तो इनको सारे नाम कवर करने थे कि इंडिया को और किस नाम से जाना जाता है, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिटरल लाइनिंग दी हुई है। ठीक है, अब इसमें हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया में किस चीज की बात हो रही है, टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ तीन मेजर चीजें आती हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में। पहली चीज के जो स्टेट्स हैं हमारे उनकी टेरिटरी, स्टेट्स की टेरिटरी। दूसरी चीज हमारी यूनियन टेरिटरीज। तीसरी चीज जो कि अक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट एट एनी टाइम। है तो हमारी, लेकिन हमने किसी को किराए पे दे रखी है तो हम कभी भी एक्वायर कर सकते हैं, इनका कहना ये है। ठीक है, तो जबरदस्ती किराया चलाया हुआ है, कोई पैसे भी नहीं मिलते उसके तो, लेकिन हाँ टेरिटरी दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। पीओके एक्सेशन का नाम तुम लोगों ने सुना है नहीं सुना। सुना है भैया, सुना जम्मू कश्मीर के मैप में तुम लोकेट कर सकते हो पीओके और एक्सेशन किधर है। है। यस भैया। हाँ भैया, ये मान लो ये है जम्मू हाँ भैया, कश्मीर, यहाँ है पीओके, यहाँ है अक्साई चिन, ये बचता है अपने पास। यहाँ है जम्मू, यहाँ है श्रीनगर, यहाँ वैष्णो देवी, ये मतलब ये टोटल इतना बचा है अपने पास। यहाँ वाला चाइना ले गया, यहाँ वाला पाकिस्तान ले गया। तो ये है बेसिकली सीन, हमने ऐसे ही दे दिया हमको। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। ठीक हाँ, तो ये हो गया अपना वो आर्टिकल नंबर वन, इतना ही है सिंपल। क्या तुमको इसमें कुछ डाउट है कि मैं टू पे चलूं। हमने नहीं केवल है। नाम बताया और इंडिया में क्या क्या आएगा वो बताया। एक दो तीन, स्टेट की बॉर्डर्स हो गई, स्टेट के अंदर का एरिया हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गई, टेरिटरीज जो कि इंडिया में है तो सही लेकिन हम उसको कहीं अक्वायर कर सकते हैं, तो और क्या बचा फिर, और कुछ बचा ही नहीं। लक्षद्वीप और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार्स, वो स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी। यूटी यूनियन टेरिटरीज, यूनियन यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। तो वो हमारे इनलैंड बॉर्डर्स में नहीं थे इसलिए उनको यूनियन टेरिटरीज में डाल दिया। ठीक है, दमन एंड दीव भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पौंडीचेरी बाद में आया इसलिए वो भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, अब तो वो भी है। लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी क्या जुड़े बताओ, दादर एंड नगर हवेली, लेटेस्ट लद्दाख, लद्दाख एंड जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर, और लद्दाख। कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर को तो आधा बांटा है, एक है कश्मीर एक है लद्दाख, वो है नाम उनका ऑफिशियल। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर टू एंड थ्री पे। तो अगर मैं बात करूं तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकता है किसी भी स्टेट को अनेक्स करने का, किसी भी स्टेट को अपने अंदर मिलाने का, या किसी से मिल जाने का। ठीक है, तो ये जो लॉज हैं
लॉज बाय पार्लियामेंट और टेरिटरीज। ठीक है, केवल टेरिटरी की बात हो रही है यहाँ पे, और किसी चीज की नहीं हो रही। ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, एक हो गया एक्सटर्नल, ऑब्वियसली दूसरा दूसरा क्या होगा, इंटरनल इंटरनल मतलब कि पार्लियामेंट किसी दूसरे बाहर के स्टेट या कंट्री को अपने अंदर मिला सकता है क्या, देश हम बाहर के उसको मिला सकते हैं क्या? हाँ मिला सकते हैं, और उस सब का प्रोसीजर और सब कुछ कहाँ दिया है, आर्टिकल नंबर 2 में। तो 2 इज ऑलवेज फॉर एक्सटर्नल, एंड आर्टिकल 3 में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है तुम्हारे देश के, वो पूरा इसको काट के तेलंगाना बना दो, उसको काट के ये बना, ये इसमें दिया हुआ है। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्टेट्स का सेपरेशन होता है, दो मिलके एक बनता है, एक हटके दो बनते हैं, नाम बदलते हैं, उनका बाउंड्रीज ऑल्टर होती है कि यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आर्टिकल 3 में होता है, इसको हम लिखेंगे भी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक्सटर्नल इज आर्टिकल 2 एंड इंटरनल इज आर्टिकल 3। आ गया समझ में? हाँ भैया चलते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 जो लिख रहा हूं एज इट इज लिख लो। अब क्या तुमको एक चीज पता है कि पौंडीचेरी और सिक्किम देश में बहुत बाद में आए? तुम्हें हाँ भैया क्या लगता है, 2 यूज करके आए 3 यूज करके आए? टू यूज करके क्योंकि वो टू हमारा पार्ट थे नहीं पहले, बाहर से किसी को तुमने एज अ न्यू स्टेट डाला है ना अंदर कंट्री के, जो कि तुम्हारे पास था ही नहीं पहले से, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। ठीक है, तो वो क्या यूज करके आएगा? तो सिक्किम एंड पौंडीचेरी, अब तो पुडुचेरी हो गया। ये एक प्राइम एग्जाम्पल है वेयर आर्टिकल 2 वाज यूज्ड इन द पास्ट। किस ईयर में हुआ था ये देख लेना, रेलेवेंट तो है लेकिन अभी मेरे को याद नहीं। तो सिक्किम अलग ईयर में आया, पौंडीचेरी अलग ईयर में आया। दिस वाज द बेस्ट यूज ऑफ आर्टिकल 2। ठीक है, 3 पे चले, समझ में आ गया? सो गए? ठीक नहीं भैया आ गया समझ। आ गया भैया। आ गया भैया। आर्टिकल 3 पे चलते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, तो तुम इसका एक जनरल स्टेटमेंट लिखो, द पार्लियामेंट बाय एनी लॉ क्या क्या कर सकती है। पहली चीज के फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन। और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। इसका एग्जाम्पल हमने बहुत बार देखा है, बहुत स्टेट्स के साथ हुआ है। हिमाचल प्रदेश टूट के हिमाचल और उत्तराखंड बना,
उत्तरांचल बना था पहले, अब उसका नाम उत्तराखंड हो गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। फिर मध्य प्रदेश टूट के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना, सौराष्ट्र टूट के महाराष्ट्र और गुजरात बना, तीन एग्जाम्पल हमने देख लिए। फिर आंध्र प्रदेश टूट के क्या बना, तेलंगाना और तेलंगाना आंध्र, तेलंगाना और आंध्र आंध्र। तरफ इसी बात पे आंध्र प्रदेश का कैपिटल बताना। हैदराबाद, हाँ यही आंसर एक्सपेक्टेड था मुझे। तेलंगाना तेलंगाना का अमरावती। हैदराबाद। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती है, ठीक है। तेलंगाना हैदराबाद के पास एक उसकी ट्विन सिटी है, उसका नाम क्या है, सिकंदराबाद। ठीक है, वही घूमने जाओगे तुम लोग नाल सर के बाद, है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया अपना पहली चीज, पहली चीज का एग्जाम्पल सबने देखा है, जो मैंने बताया सबने ऑब्जर्व किया था। तो वेन एवर एनी न्यू स्टेट इज फॉर्म, नाउ यू नो दैट इट इज द यूज ऑफ आर्टिकल 3 क्लॉज 1, समझ गए। दूसरी चीज, आप किसी स्टेट का एरिया को इंक्रीज कर सकते हो, दिस जनरली हैपेंस इन नॉर्थ ईस्ट, इसका कम कर दिया उसका बढ़ा दिया। अगर आपको डिक्रीज करना है एरिया, डिमिनिश, तो इसका क्लॉज 3 आ जाएगा, क्लॉज 4 आ जाएगा, तो ऑल्टर द बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्रीज को इधर उधर करना है। फिर क्लॉज 5 में आ गया ऑल्टर द नेम, कौन सा स्टेट का नाम बदला है, तेलंगाना नया नाम है। अरे वो तो स्टेट ही नया है। उत्तरांचल का उत्तराखंड हुआ है। उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो उत्तरांचल था पहले, इट वॉज चेंज टू उत्तराखंड, ठीक है। प्राइम एग्जाम्पल, दिस वॉज द यूज ऑफ आर्टिकल 3 क्लॉज 5, ठीक है। अब वेन एवर एनी बिल इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, इट लेज डाउन टू कंडीशंस, पहली जो बिल होता है दैट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, ओनली विथ दूसरा पॉइंट, कि स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट वो दिखाएगा, दोनों कंडीशन समझ में आ रही। आप ये बिल इंट्रोड्यूस करोगे ओनली विथ प्रायर रिकमेंडेशन, कहीं से रिकमेंडेशन आई होगी तब ही ये सारी चीजें करी जाएंगी, एक दिन मन किया उठ के नींद से कर दिया ऐसा नहीं। जिस स्टेट के साथ ये हो रहा है, बाउंड्री ऑल्टर हो रही है, नाम चेंज हो रहा है, कुछ मर्ज हो रहा है, कुछ टूट रहा है,
उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, परिषद जो भी है, ठीक है, वो आपको कंसिडरेशन में लेना है, उनको एक बार दिखाना है। स्टेट लेजिस्लेचर को कौन दिखाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री खुद बताएगा वो कि क्या आप इससे सहमत हैं। अगर वो हाँ बोलते हैं और प्रायर रिकमेंडेशन भी था, काम हो जाए। समझ गए बातें? आर्टिकल 3 समझ में आ गया? हाँ भैया। कितने बज रहे हैं अभी? 7, मतलब हमको 1 घंटा हो गया। भैया 2019 में जो आर्टिकल 370 ना, हाँ 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसमें तो शायद नहीं दिखाया गया था ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जम्मू एंड कश्मीर के, वो तो वैसे भी स्पेशल स्टेटस था ना, इसलिए वहां हमने से तो उसको इलेक्शन हुआ स्टेट था थोड़ी बताया था। 2014 में और वहां की असेंबली डिसॉल्व हो गई थी शायद उससे पहले ही, री वहां इलेक्शन तो हुआ नहीं था। प्रेसिडेंट्स रूल लग गया था ना ऐसा के पहले। अच्छा देख 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 देख, इसमें क्या है, आर्टिकल 3 में क्या बात हो रही है, हर जगह क्या वर्ड यूज हो रहा है, स्टेट स्टेट है ना। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट स्टेट स्टेट, और हमने उसको तोड़ के क्या बनाया, दो अलग अलग स्टेट बनाए। नहीं, यूटी बनाई। यूटी की बात ही अलग है, इससे भारी हो गया वो। यूनियन टेरिटरीज अभी हमने याद किया, किसमें दिए? याद करो याद करो, अभी नहीं होंगे। पार्ट पार्ट 8, ए एक मिनट रुको, मैं आता। किस खुशी में हाथ उठाया गीति का तुम्हें? हाँ, तो इसमें हम ना आर्टिकल 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता नहीं है उसमें। केवल अगर मैं बेयर प्रोविजन को रीड करूं तो उसमें केवल इतना बताया गया कि लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल्स ऑफ द सप्लीमेंट इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। कोई मतलब का नहीं आर्टिकल 4, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है तुमको? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी समझ में आ गया हाँ भैया। हाँ सबको? भैया। अब हम चलते हैं सिटीजनशिप। जमीन की बात हो गई, लोगों की बात कर लेते हैं, ठीक है? सिटीजनशिप जो है वो दो तरीके से पढ़नी पड़ेगी तुमको। एक तो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन, एक दी गई है काफी फेमस, नाम सुना होगा 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। सुना है इसका नाम? सी हाँ ए ए। भैया। हाँ भैया। हाँ भैया, तुम्हें विवाद पता है क्या हुआ था? वो भी बता दूंगा। नेचुरलाइजेशन पे था ना विवाद की, फर्स्ट पेरेंट अगर इंडियन होगा तो मतलब बोथ होना चाहिए या सिर्फ एक ही से हो सकता है? मतलब एक्विजिशन को 5 तरीके में डिफाइन कर दिया है कि आप इस किस तरीके से एक्विजिशन कर सक मतलब ले सकते हो इंडिया की सिटीजनशिप की। उस पर विवाद थोड़ी था, करते हैं बात करते हैं असली विवाद क्या था वो भी देखेंगे, ठीक है? तो ये आर्टिकल 5 2 11 में दी हुई है सिटीजनशिप, ठीक है? अब सिटीजनशिप अगर मैं बात करूं, दो तरीके की थी, एक ऑन ऑन 26th
जनवरी टू नहीं 19 कब आया भाई कॉन्स्टिट्यूशन? 1950 ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है सिटीजनशिप कि इस तारीख तक कौन सिटीजन है, पहली चीज। इस तारीख के बाद से हम सिटीजनशिप कैसे देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, दो चीजों में डिफाइंड है। तो ये जो है ये दिया हुआ है आर्टिकल 5-11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दिया हुआ है सिटीजनशिप एक्ट में। जो कि आई 1955 में, इसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल दिया था कि आप कुछ भी एक्ट अमेंडमेंट बना सकते हो रिलेवेंट आगे के देखने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम सब कुछ नहीं दे सकते वरना और जबरदस्त लंबा हो जाता है, वैसे ही कम छोटा है, ठीक है। तो इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट निकाल दिया 1955, ठीक है। ये दो चीजें तुमको याद रहेंगी कि इस तारीख पे देखना है तो किस में देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद से देखना है तो इसमें आया था सब कुछ, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, सब कुछ इसमें दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया, ठीक है। आगे चलें। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। अब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को तीन तरीके से डिवाइड किया, पहला होता है ऑल पर्संस, ठीक है, एक हो गया ऑल पर्संस, एक हो गया सिटीजंस, एक हो गया माइनॉरिटीज, ठीक। तो कुछ लॉज जो हैं वो सब पे एप्लीकेबल है, कौन है प्रयात वेदी? कुछ लॉज जो हैं वो सब पे एप्लीकेबल है, विच आर एप्लीकेबल टू ऑल द पर्संस। कुछ लॉज जो है वो केवल इंडियन सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है, कुछ लॉज जो है वो माइनॉरिटीज पे एप्लीकेबल। इसका एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दैट इज आर्टिकल 14 विच इज राइट टू इक्वालिटी। देश में इक्वालिटी सबको मिलेगी, कोई भी हो, बाहर से आ रहा है, हमारा सिटीजन है, लेकिन कुछ भी, इक्वालिटी सबको मिलेगी, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फिर इसके बाद राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो आता है आर्टिकल 15 में। डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन किसको मिलेगी, केवल सिटीजन को मिलेगी। फिर माइनॉरिटी की राइट की बात हुई है आर्टिकल 29, ये किसको मिलेगी, केवल माइनॉरिटीज को मिलेगी, ठीक है। इसलिए इन्होंने तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया था कि भाई देखो कुछ कुछ चीजें इनको मिलती हैं केवल, कुछ कुछ चीजें केवल इनको मिलती है, तो कुछ कुछ चीजें इनको मिलती हैं केवल। तो हमारी कंसर्न है ये कि तुम सिटीजन कैसे देखोगे, कौन है देश का नागरिक। माइनॉरिटी तो हमें सबको पता है कि कैसे निकाली जाती है, ऑल पर्सन तो वैसे ही जनरल है, तो सिटीजनशिप कैसे निकाली जाती है इस पे बात करते हैं, ठीक है। ये तीन चीज हमने आई। सिटीजनशिप का लफड़ा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि क्या हुआ था 1947 पार्टीशन, पार्टीशन पाकिस्तान गए थे लोग, पाकिस्तान से आए भी थे, है ना। तो हमने इनको हमको इनको डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो सिटीजनशिप है, ये पूरा जो पूरा प्रोसेस है सिटीजनशिप देखने का कि आप सिटीजन कैसे हो, ऑन 26th of January 1950 ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। कैसे कहला सकते हो आप सिटीजन हमारे देश के, पहली चीज के पर्सन्स विथ डोमिसाइल ऑफ द कंट्री,
आप ऐसे हो सकते हो, आप रह रहे हो, हाँ ठीक है। फिर पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, इसमें मैं ईस्ट और वेस्ट दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ, उनका भी टेंशन वही था। बताया ना ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान क्या क्या है, हाँ भैया, किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ, मैं बता दूँ। ईस्ट वाला बांग्लादेश। ठीक है। तो थर्ड इसने किसकी बात करी कि पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, उसके बारे में भी इसने बात करी कि उनका क्या होगा जो चले गए। फिर चौथा क्या था कि पर्सन हु आर लिविंग अब्रॉड, एक एक करके चलते हैं, एक एक आर्टिकल पर। ठीक है, पहला है ठीक है वो आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या बोलता है कि इट टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। इसके लिए आपको क्या चाहिए मुझे, पहली चीज फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डोमिसाइल वाली सिटीजनशिप आपको कैसे मिल जाएगी कि यू शुड हैव डोमिसाइल ऑफ इंडिया। एंड ठीक है, एक आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, और अगर इसके साथ ये जो तीन चीजें लिख रहा हूं इसमें से एक भी सेटिस्फाइड है तो तुम इंडियन सिटीजन कहला जाओगे। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि यू आर बॉर्न इन इंडिया, दूसरी चीज हो गई कि एनी ऑफ योर पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया, थर्ड इज के इस जो डेट थी 26/1/1950, आप इसके ठीक 5 साल पहले से भी इंडिया में रह रहे थे। ये प्लस आपके पास अगर इंडिया का डोमिसाइल है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन प्लस डोमिसाइल ऑफ द कंट्री, देन यू विल बी कॉल्ड एन इंडियन सिटीजन। समझ गए, ये चाहिए प्लस इसमें से कुछ एक चाहिए, या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक है, इजी। हाँ भैया, हाँ भैया, ठीक, इसमें एक केस लॉ आता है जिन लोगों ने पहले क्लैट दिया है, क्या तुमने इसमें कोई केस पढ़ा था डीपी जोशी का? ये केस तुम लोगों ने कभी पहले पढ़ा है जो ड्रॉपर्स हैं? डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ द भारत, नहीं पढ़ा? सिटीजनशिप में काफी इंपॉर्टेंट केस है, क्वेश्चन भी आया है काफी बार। इन्होंने ये बोला था इस केस में केवल एक लाइन याद रखनी है कि देयर इज नो स्टेट डोमिसाइल व्हेन व्हेन कॉन्फेडरेशन इज बीइंग कंसर्न। ठीक है, स्टेट वाइज डोमिसाइल नहीं है, बट ओनली वन नेशन डोमिसाइल, डोमिसाइल की बात करती है बेसिकली।
ठीक है, समझ में आ गया? केस क्या बोल रहा है, एक ही लाइन बोल रहा है बस, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 5 सॉर्टेड। हाँ भैया, तो भैया जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्टेट वाइज डोमिसाइल नहीं है बट नेशन वाइज है, तो ये जो क्लैट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं वो क्या है? वो सिटीजनशिप के लिए थोड़ी मांगते, सिटीजनशिप की बात करी थी उसने, वैसे तो है। भैया ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट और ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एक ही होता है क्या? हाँ ऑलमोस्ट एक ही होता है। तो वही मतलब वही बनवाने से लाइक आई डोंट हैव एनी, तो फॉर दिस एग्जामिनेशन आई हैव टू मेक ऑफ ओरिशा, तो मैं वही रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर बनवा ली तो वही है ना? ओडिशा का सर्टिफिकेट? अरे तुम तो एनएलयू में सीधी एंट्री मिलेगी तुम। ओडिशा का सर्टिफिकेट में हमारे पास डोमिसाइल, डोमिसाइल वाले तो बहुत नीचे नीचे जाते हैं। तो हाँ, अगर तुम डोमिसाइल बनवाते हो तो उसमें भी क्राइटेरिया होता है जिसमें तुम डोमिसाइल कहलाओगे। ठीक है, काफी आसानी से मिल जाता है ओडिशा में, तो आई डोंट थिंक सो कोई बहुत ज्यादा मेहनत। ठीक है, तो डोमिसाइल मिलता है तो काफी ज्यादा हेल्प है उससे क्लाइंट में। हर बच्चे को डोमिसाइल मिलना चाहिए, मतलब सबका होना चाहिए। एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं तो लाइफ में आगे काम आ ही जाता है। तो यू हैव टू मेक अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तुम उसका प्रोसेस अभी से ही करवा लो, क्लैट के टाइम पे दिक्कत हो। ठीक है, तो हाँ स्टेट यूपी डोमिसाइल, वालों को भी कई काम आता है, यूपी वाले जनरल नहीं हो तो काम आता जनरल नहीं हूँ। है। ठीक है, तो अब चलते हैं आर्टिकल 6 पे। आर्टिकल 6 भी बता रहा था कि पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, आर्टिकल सेक्शन में ये बताया। अब उसने हमको इन दोनों, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली बात, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए वो, और दूसरे जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए। अब क्या तुम्हें पता है यही डेट क्यों, ये डेट क्यों, ऐसा क्या हुआ था इस डेट पे जो ये डेट उठा के माइग्रेशन देखा गया? क्योंकि एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जो परमिट अप्रूवल लेके लोग इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया जाते थे। ठीक है, इसीलिए ये डिवीजन हुआ। तो इसमें उसी की बात करी गई है, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने का है नहीं। अब चलते हैं आर्टिकल 7 पे। ऊपर करना तो भैया, तो सा स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 7 जो है, इट इज बेसिकली इन दोनों का भाव, 5 और 6 का। इट कैन ओवरराइड आर्टिकल 5 एंड 6 इफ नेसेसरी। आपको कहीं की परमिशन लेनी है, अपने भैया से ले ली, दीदी से ले ली, पापा ने मना कर दिया, तो अब क्या वो वैलिड है? नहीं, तो ये पापा है आर्टिकल 7। बेसिकली अगर आप इसमें देखो, इसमें भी एक डेट दी गई थी, अगर आप पाकिस्तान से माइग्रेट, पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, उसकी बात हो रही है। पहली चीज, एक डेट है 1st of March 1947। अगर आप इस तारीख को माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान, इफ माइग्रेटेड, तो कॉमन सेंस की बात है कि आप सिटीजन कहलाओगे, है नहीं, ना? हाँ या ना? नहीं
नहीं भैया, क्योंकि वो 5 ईयर वाली पॉलिसी थी ना कि 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले तक रहते हो आप। तो तुम वैसे भी माइग्रेट कर गए ना, हाँ तो नहीं तो कहलाएंगे ना। माइग्रेट ही करे, तुम देश में हो नहीं, तो तुम सिटीजन नहीं हो, नॉट अ सिटीजन। ठीक है, अब एक और चीज, अगर आप इस डेट के पहले माइग्रेट कर गए थे लेकिन देन केम बैक, अब ये बताता है आर्टिकल 7, किसी को कोई कंफ्यूजन? कॉमन सेंस की बात है, सामने एक डेट दिख रही है, अगर माइग्रेट कर गए तो उसके नहीं, और नहीं कम ओके वापस आ गए वहां से माइग्रेट, तुम आ जाओ देश में। और भैया जो लोग 1940s, मतलब जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे, वो लोग का इसमें कुछ नहीं दिया है? अच्छा, ये दिया था ना वो लोग का आर्टिकल 6 में। पाकिस्तान से आए 6 में, पाकिस्तान गए 7 में। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल 8 पे। आर्टिकल 8 जो है वो क्या बात करता है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया से बाहर रहते हैं, ठीक है, वही द पीपल लिविंग अब्रॉड, उनकी सिटीजनशिप कैसे होगी डिसाइड। कमला हैरिस टाइप। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन, ये PIO कार्ड भी तुमने सुना होगा, PIO कार्ड होता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहीं सुनी होगी ये टर्म, ठीक है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, आपको सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, शैल बी बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पार्टीशन के बाद वाला पार्टीशन के पहले बाद। वाला। और अनडिवाइडेड पार्टीशन के पहले वाला। अब इसमें क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी होता है, अगर आप रजिस्टर्ड हो अपने पर्टिकुलर देश की एम्बेसी में, इन योर रिस्पेक्टिव एम्बेसी, बाय अ प्रॉपर डिप्लोमैट, ये आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप इंडियन सिटीजन कहला सकते हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी एक उसमें से अगर इंडिया में पैदा हुआ था जो कि अनडिवाइडेड इंडिया था, दैट इज पाकिस्तान भी कहला जा सकता है, बांग्लादेश में भी हो सकता है, अनडिवाइडेड था ना वो तो सब एक ही था, ठीक है। तो एक ये फैक्टर होना चाहिए, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए आप एम्बेसी में अपने डिप्लोमेट के थ्रू, एक ही हो गया, एक ही हो गया, दो चीजें फुलफिल, आपका काम हो गया, यू विल गेट द सिटीजनशिप। अब चलते हैं आर्टिकल 9 की तरफ। आर्टिकल 9 में क्या है, आर्टिकल 9 में ये दिया गया है कि अगर आप वॉलंटरली किसी और देश के सिटीजन बन जाते हो, फॉरेन सिटीजन, तो क्या आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे? बिल्कुल नहीं, ये चीज है। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान वाला है, अगर आपने पाकिस्तान की वही ली तो इंडिया की थोड़ी मिलेगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 10 टॉक्स अबाउट कंटिन्यूएंस ऑफ दिस सिटीजनशिप,
ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं उसमें। भैया आर्टिकल 9 एक बार फिर से बता दीजिए ना। आवाज नहीं है मुझे, क्या बोली? भैया आर्टिकल 9 एक बार फिर से दिखा दीजिए। आर्टिकल 9 में अगर आपने वॉलेंटरली किसी और फॉरेन प्लेस की सिटीजनशिप ले ली तो आप सिटीजन नहीं हो। तुमने ले ली तुम्हें यहाँ पे रहने का मन ही नहीं था, तुम पहले ही लेते क्यों नहीं? यहाँ पे हम क्यों देंगे सिटीजनशिप? सिंपल बात है, ठीक है? आर्टिकल 10 में ये दिया है आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू होने के क्या कंडीशंस हो गया, वो काफी सारी जबरदस्ती के सब्जेक्टिव क्लॉजेज है तो वो पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। बस ये लिख लो कि कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप पता है। फिर लास्ट आर्टिकल बचता है आर्टिकल 11, जो कि बात करता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन सिटीजनशिप। ये आर्टिकल कब इंसर्ट हुआ था? जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना इफेक्ट में आया है ना, तो इसने बोला कि देखो यार अभी तक का तो हमने बता दिया, अब आगे के तुम देखो, जो लॉ बनाना है जैसा रखना है पार्लियामेंट बनाएगा, उसके पास पूरी पावर है। तो उन्होंने 1950 में वो पावर दे दी थी, एज अ रिजल्ट इस पावर का 1955 में क्या आया, क्या आया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट। अमेंडमेंट एक्ट तो आने दो, अमेंडमेंट तो बाद में हुई। अमेंडमेंट तो अभी हुई थी। 1955 में क्या है? सिटीजनशिप एक्ट। उसने ये बताया कि अब मैं बताता हूँ कि क्वायरिंग कैसे होती, लॉस कैसे होती। अब हम अच्छे से बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो इंडिया पाकिस्तान चल रहा था, अब हम जरा अच्छे से बता देते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है? अब हम चले जाएंगे इसकी डोमेन में, सिटीजनशिप एक्ट की डोमेन में, ठीक है? तो क्या अभी तक का सबको समझ आ रहा है क्या क्या जो भी पढ़ाए गए? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। 1950 में आर्टिकल 11 आया था, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही आया था ना, ठीक है? और उसके बाद 1955 में क्या हुआ था? सिटीजनशिप एक्ट बन गया, यही आर्टिकल 11 को ही बना दिया गया। अरे नहीं, कि आर्टिकल 11 में बोल रहा था कि तुम कुछ भी बना सकते हो सिटीजनशिप के ऊपर, यू हैव द फुल पावर, पार्लियामेंट को पावर दे दी, तो पावर दे दी उनका 5 साल बाद उसने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है भैया, ठीक है। अब सिटीजनशिप एक्ट में दो चीजें हमको मेजर पढ़नी है, एक होता है एक्विजिशन, एक होता है लॉस। इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? एक्वायर करना और एक एक्वायर करना और सिटीजनशिप कैसे छोड़ सकते हो आप? ठीक है, तो पहले आप कैसे एक्वायर कर सकते हो? यू कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो कि तुम सबको है, मैंने भी ऐसी ली, मैं बाहर से नहीं आया, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। इससे अगर मैं इसके इनिशियल्स निकालूं तो क्या निकलता है? बी डी आर आई एन। इसको हम बना सकते हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जोड़ ले, तुम्हें याद रहेगा वरुण धवन की फ्लॉप मूवी, याद है? फ्लॉप मूवी विद गुड सॉन्ग्स। हाँ भैया, यस यस जी भैया। बद्रीनाथ अगर तुम लिखोगे तो बी के बाद डी आएगा, आर के बाद आई आएगा, उसके बाद एन आएगा, मतलब बर्थ, डिसेंट, डिजिग्नेशन, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन और नेचुरलाइजेशन।
कौन बताएगा मुझे अभी? पांचवा गौतमी को छोड़ के आस्था, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डिसेंट, एंड आर फोर क्या था? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, यस। आई फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड एन फॉर नेचुरलाइजेशन, फिर से बताओ। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डिसेंट, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, आई फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड एन फॉर नेचुरलाइजेशन। ठीक अब लॉस की बात करता हूं मैं। लॉस कैसे होगी? सिटीजनशिप तुमसे छीनी कैसे जा सकती है? बहुत इजी कंसेप्ट है। रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। आर माधवन की पहली मूवी कौन सी थी? रहना है तेरे दिल में, RTD, अच्छा। एच मतलब है मतलब, तो आरटीडी याद रहेगा। तुम्हें देश से निकाला जा रहा है, तुम मध्य प्रदेश के निवासी थे, तुम निकालते टाइम क्या बोलोगे? रहना है तेरे दिल में, याद रहेगा। कैसे होती है लॉस सिटीजनशिप? आरटीडी, आरटीडी कौन बताएगा? आरटीडी क्या है? हाँ उन्हें ना बताओ, तुम्हें किसके दिल में रहना है? रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। इन सबके दिल में रहना है। अच्छा ठीक है, और कौन बताएगा? टिया, RTD, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन। ठीक है। अब चलते हैं, ये सब होते क्या है? हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन ये सब है क्या? आर टी डी। पहले चलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स पे जो हुए। कि अमेंडमेंट ये कब आया था, ईयर बताओ इसका। सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955। 1955। इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है। पहला इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था 1986। ये अमेंडमेंट क्या हुआ कि पहले आपको मिल रही थी इंडिया में पैदा होने की वो वाली राइट, कि आप पैदा हुए और आप इंडियन सिटीजन कहला जाओगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, एनी फॉरेन नेशनल इज रिसाइडिंग इन इंडिया एंड उनके चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, वो एलिजिबल हो गया इंडियन सिटीजन। लूपहोल था, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया गया? बॉर्न इन इंडिया प्लस एनी वन पेरेंट शैल बी इंडियन। ये वहां पे ऐड कर दिया गया, ठीक है। एक्विजिशन में सिटीजनशिप बाय बर्थ है तो उसमें आएगा, ठीक है, ये चीज। अब हमारा अगला मेजर अमेंडमेंट आता है 1992, 6 साल बाद। इसमें क्या था कि जब हम वो करवाते थे बॉर्न आउटसाइड इंडिया या फिर जो भी, ठीक है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, तो दैट वाज पेट्रियार्की, ठीक है। उसमें केवल मेल या फादर या ग्रैंडफादर उसकी बात हुआ करती थी, तो उसको थोड़ा न्यूट्रल, जनरल न्यूट्रल और इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए, तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वॉज अबॉलिश्ड, ठीक है। इसमें मदर को भी इंसर्ट किया गया, मदर, ग्रैंड मदर, ये टर्म्स को, जिससे थोड़ा इक्वलिटी की फीलिंग आई लोगों को।
2003 में क्या हुआ, एक और अमेंडमेंट आया, काफी मेजर मेजर आया, उसमें आया था इलीगल इमिग्रेंट, यही 2003 वाली चीज की डेफिनेशन मॉडिफाई करी है 2019 में, जिसमें लोगों को मिर्ची लग गई। फिर 2005 में अमेंडमेंट आया, उसमें क्या हुआ, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई। इसकी बात करी गई थी, ठीक है। फिर मेजर अमेंडमेंट आया जिस पे लोग शाहीन बाग में बैठ गए, दिस वाज डेफिनेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट मॉडिफाई करी, प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ नाम सुने थे ये सारे, एनआरसी, सीए, यस भैया। हाँ इलीगल भैया, इमिग्रेंट, ठीक है। तो इस पे एक बार फिर से आएंगे क्लास के लास्ट में, तो मैं 2019 वाला पूरा सीन समझा दूंगा तुमको एक बार, ठीक है। वो भी समझना इंपॉर्टेंट है, तो तुम फिर किसी के सामने जाके ब्रैक करो, सब आता है हम सबसे दो वो पढ़ते हैं। हाँ 1992 में जो आया था ये सिटीजनशिप बाय डिसेंट पे था ना, या सिटीजनशिप बाय बर्थ पे था? 92 वाला डिसेंट पे था और 86 वाला बर्थ पे था। ठीक है। ये बर्थ है, ये डिसेंट है, ये माइग्रेशन पे एंड ये ओसीआई पे है, ये इलीगल इमिग्रेंट की डेफिनेशन बदली है इसमें, सारे मेजर अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक करके, सिटीजनशिप बाय बर्थ पे सबसे पहले, तो आप अक्वायर कैसे करोगे सिटीजनशिप बाय बर्थ। एक टाइमलाइन थी, सबसे पहली अगर आप 26th ऑफ जनवरी 1950 से इंडिया में बॉर्न हुए हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस था, ठीक है। वही फिर दिक्कत क्या आई, दिक्कत इनको समझ में आई, ये सब कब तक चलता रहा, ये सब चला जुलाई ऑफ 1986। यहाँ पर इनको समझ में आया, यार ये तो जो दूसरे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी इंडिया के सिटीजन बनते जा रहे हैं यार, अब हमको करना पड़ेगा अमेंडमेंट। फिर ये लिया वो पहला वाला अमेंडमेंट कि यार एनी वन पेरेंट शुड ऑल्सो बी एन इंडियन, ठीक है। तो क्या हुआ कि वन पेरेंट वाला क्लॉज लगा लिया जुलाई 1986 में। फिर ये चला कुछ दिन कुछ दिन कुछ दिन, फिर उसमें भी लूपहोल आ गया, भैया यहाँ पे आके लोग शादी कर लेते थे और बच्चा पैदा करके वो भी इंडियन ये भी इंडियन हो गया सिटीजनशिप, ठीक है। उसमें भी लूप होल आया जो इमिग्रेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। फिर दिसंबर 2003 में क्या हुआ, फिर से अमेंडमेंट आया, इलीगल इमिग्रेंट की बात करी थी शायद यहाँ पे अपन, हाँ इलीगल इमिग्रेंट की बात हुई थी यहाँ पर। इलीगल इमिग्रेंट में क्या हुआ कि आप अगर यहाँ से ऐसे शादी कर लोगे ऐसा कुछ नहीं होता, इलीगल इमिग्रेंट कहलाओगे फिर आप। व्हाट डू यू मीन बाय इलीगल इमिग्रेंट, बताओ पहली बात कौन बताएगा? अगर तुम किसी काम के लिए देखने आए थे, ठीक है, एक परमिट लेके आए थे, तुम उससे ज्यादा रुक रहे हो, यू आर एन इलीगल इमिग्रेंट। मैं दुबई का वीजा लेके गया, 7 दिन रुका, 7 दिन का वीजा था, मैं वहां पे 8वें दिन जैसे ही हूं ना और वीजा एक्सपायर है, मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही, विदाउट जी भैया। हाँ परमिशन, भैया, विदाउट परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, इफ यू आर स्टेइंग इन दैट कंट्री। वीजा क्या होती, वीजा वो सरकार परमिशन देती है ना आपको,
वीजा कौन इशू करता है? वीजा तुम जिस कंट्री में विजिट करने जा रहे हो वो कंट्री इशू करके देती है। यूएई का वीजा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का वीजा हो गया, यूएस का, कि ठीक है हम आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप इंडिया के सिटीजन हो, आप हमारे देश में 14 दिन के लिए घूमने आ सकते हो। ये परमिशन होती है, वो कंट्री देती है। ऐसे नहीं उड़ के पहुंच जाओगे चलो घूमे, प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है उस देश के सरदार से कि हम घूमने आ जाए प्लीज। उसके नखरे हैं काफी सारे, अगर अप्रूवल होता है तो वीजा मिलता है। ठीक है, तो यही चीज है, आपको परमिशन मिली नहीं, आप इमिग्रेंट हो, आप बांग्लादेश से आ गए, आप पाकिस्तान से आ गए, अफगानिस्तान से आ गए, बहुत हर देश से आए इंडिया में। ठीक है, तो वहां से जो माइग्रेट होके आते हैं, माइग्रेट भी हुए तो मतलब तुम परमिशन से तो आए नहीं, देश की परमिशन ली होती तो माइग्रेंट थोड़ी कहलाते। अगर तुम वहां से ऐसे आए हो, यू आर एन इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, दिसंबर 2003 में इन्होंने फाइनल एक डेफिनेशन डाल दी कि भैया बर्थ वाला क्या है बताओ। तो इन्होंने फिर बोला कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो या फिर एक पेरेंट इंडियन हो प्लस दूसरा वाला अदर वन शैल नॉट बी एन इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, या तो दोनों पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, या तो एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए और दूसरा वाला इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि एक रैंडम बच्चा, ये है पी, किसका बच्चा है ये, ए और बी का बच्चा। ठीक है, ए जो है वो फीमेल है, वो इलीगल इमिग्रेंट थी जो कहीं बाहर से आई थी, इसको इससे प्यार हो गया, बी से जो कि एक इंडियन सिटीजन था, और इन दोनों ने शादी करके इसको बर्थ दे दी और ये बन गया बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन, जबकि ये तो इलीगल है यार, ये तो वैसे इसको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए देश में रहने की, तो परमिशन से आई नहीं है तो, लेकिन इनका बच्चा जो ये प्रॉपर इंडियन कहलाएगा। यही लूप होल था जो 2003 में ठीक करा गया कि आपका एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए, दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, समझ गए? भैया जुलाई मतलब जुलाई 1986 में कौन सा लूपहोल टेक किया गया? उसमें तो केवल पैदा होने पे ही हो रहा था, वन पेरेंट वाला क्लॉज लगाया गया है। देखो तो क्या दिक्कत क्या आ रही थी उसमें? दिक्कत बताते हैं, एक है स्यू, एक है जैक, ये गए थे इंडिया घूमने 1916, हाइपोथेटिकल। ठीक है, ये लड़की लड़का, ठीक है, इनका था 1 साल का वीजा, या फिर ये आज टाइम प्रेग्नेंट थी, यहाँ पे हो गया इनका बच्चा, इनका नाम रख दिया इन्हें अली। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो आप इंडियन सिटीजन हो, कहला जाएगा इंडियन सिटीजन, ये तो वीजा पे हाँ आए थे घूमने आए, अच्छा समझ गए। ऐसे तो जबरदस्ती लोग बच्चे पैदा कर ले आगे बस कि हाँ हम डिलीवरी इंडिया में कर रहे हैं, है ना? केवल हाँ आपका भाई बच्चा इंडिया में पैदा हो रहा है उससे आपको सिटीजनशिप मिल रही थी, कितना इजी हो गया इंडियन सिटीजनशिप लेना, फिर लोगों ने खूब लूपहोल का फायदा उठाया उस टाइम। ठीक है, आया समझ में? फिर उन्होंने बोला कि एक पेरेंट को बना दो, कोई एक इंडियन होना चाहिए, तो उसमें फिर ये वाला लूपहोल लग गया कि भैया वो इधर से शादी कर लेते थे ऐसे। फिर या तो आपके दोनों पेरेंट्स होने चाहिए इंडियन, या तो आपका एक होना चाहिए, दूसरा वाला इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। नहीं, ये तीन कंडीशन तो नहीं है, लेकिन तीन सिचुएशंस थी जिसमें से फाइनल वाली 2003 में हमने अडॉप्ट करी जो अभी तक चल रही है। ये है उसकी अभी तक की डेफिनेशन, दोनों पेरेंट प्लस या फिर वन पेरेंट और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, तब आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाएगी इंडिया में। भैया तो हमारे मेरे सारे फर्स्ट केसेस में, हम लोग पर्पन जितने भी हैं हमारे केसेस में क्या एप्लीकेबल है, हमारे दोनों पेरेंट क्योंकि इंडियन है इसलिए हम इंडिया में पैदा हुए तो हम सीधे इसके सिटीजन कहलाने लगे, यही है हमारी सिचुएशन। कोई है यहाँ पे लीगल इमिग्रेंट? नहीं, वो उसमें ऊपर स्क्रॉल करना तो थोड़ा भैया स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया।
सिटीजनशिप बाय बर्थ समझ में आया सबको? हाँ भैया जी भाई, इसमें क्या था कि आप अगर देश से बाहर पैदा हुए लेकिन 26 जनवरी 1950 अगर यहां पर आपके पापा इंडियन थे तो आप भी इंडियन कहलाओगे, ठीक है। अब इसमें दिक्कत आई दिसंबर में लोगों को 1992 के, जब इन्होंने बोला कि भाई पापा ही क्यों, मम्मी क्यों नहीं, तो काफी विवाद हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है अमेंड कर देते हैं, मम्मी पापा दोनों लगा देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मम्मी भी लगा दी, यहाँ पर मदर प्लस फादर हो गए। फिर 2004 में फिर से दिक्कत आई, इधर एक अमेंडमेंट और आया। मैंने सारे अमेंडमेंट नहीं लिखवाए थे, मैंने इंपॉर्टेंट वाले लिखवाए थे, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा था ना काले में, ये सारे नहीं है, तो इंपॉर्टेंट वाले बहुत अमेंडमेंट हुए। तो 2004 में क्या हुआ यार, केवल मम्मी पापा के होने से तो काम नहीं चलेगा, तुम क्या करो कि एक विद इन द बर्थ ऑफ योर चाइल्ड, विद इन 1 ईयर of the birth of a child, you have to registration करवाना पड़ेगा उस particular देश में जिसमें भी तुम रहते हो, outside India लिखा हुआ है तो जिस भी देश में करवाते हो, plus passport बनवाना पड़ेगा। ये करवाओगे और ये वाली कंडीशन फुलफिल करती है तो आप सिटीजनशिप बाय डिसेंट ले सकते हो। आया समझ में? तुम लोग लिख रहे होते हो क्या इस टाइम पे जब मैं बता रहा होता हूँ? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, बोलते नहीं, लिख लो तो बता देना। हो गया भैया, सबका हो गया तो बता देना। हो गया भैया, हो गया भैया, मैं इतनी देर हो गया भैया था, तुम लोग इतनी देर में लिख रहे थे, ठीक है। हाँ तो अब अगला है सिटीजनशिप। अगला क्या है भाई बताओ? बाय बद्रीनाथ रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हो? कुछ क्राइटेरिया के जो भी रजिस्टर करवाएगा, पहली बात तो वो कहलाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको मिलता है एक PIO कार्ड कि हाँ मैं इंडियन ओरिजिन का पर्सन हूं, ठीक है। आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन कैसे कहलाओगे? पहली चीज, या तो आप या आपके पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, फिर
दिस इंडिया शैल बी अनडिवाइडेड और ये जो बर्थ है ये 15th August 1947 के पहले होनी चाहिए। आजादी के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले नहीं, कंफ्यूज मत होना अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब मिलता है, आपकी बर्थ कब होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा सीधे सीधे उठ के, क्या करोगे? आजादी के पहले, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक है नेचुरलाइजेशन, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। दिस इज अ फॉर्मल प्रोसेस जिसमें आप नॉर्मल, अगर कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा कोई रिलेशन नहीं, कहीं कुछ नहीं, ना मैं देश में पैदा हुआ, ना मैं मेरे कोई ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुआ, कहीं ना कहीं इसमें कोई लिमिटेशन लग रही ना। देखो जैसे अगर मुझे रजिस्ट्रेशन से लेना है तो ये भी अनडिवाइडेड इंडिया में चाहिए मुझे, नहीं है मेरा कोई, अब मैं बाहर पैदा हुआ लेकिन मम्मी पापा कहीं थे इंडिया में, नहीं है, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद मैं खुद भी पैदा नहीं हुआ, ठीक है, मैं बाहर से ही हूँ, कंप्लीट आउटसाइडर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इंडियन सिटीजन बनना है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन। सिटीजनशिप आप नेचुरलाइजेशन से लेते हो, इसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, वो सारी आपको फुलफिल करनी पड़ती है, जिसमें से एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि आपका गुड कैरेक्टर, ये पता नहीं कैसे जज करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये सब आपकी सिटीजन होनी चाहिए, ठीक है, और इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। ऑल्सो अगर आपने कुछ चुनिंदा फील्ड्स में बहुत अच्छा किया है, जैसे साइंस, आर्ट, पीस, म्यूजिक, तो अगर आप इसके एक्सेप्शनल कुछ वो हो जो देश के लिए एसेट बन सकते हो, इंडियन कंट्री के लिए, तो वो सारी की सारी कंडीशंस क्या होंगी, माफ हो जाएंगे। क्या तुम लोग अदनान सामी को जानते हो? हाँ भैया, वो इंडियन सिटीजन है, पाकिस्तान का था वो, उसकी कंडीशन कैसे वे ऑफ हूँ, म्यूजिक म्यूजिक, ठीक है, समझ गए नेचुरलाइजेशन क्या होता है। अब एक चीज और बच रही, क्या बच रही, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बहुत इजी है, अब मुझे पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कुछ स्टेट्स, कुछ यूनियन टेरिटरीज देश का पार्ट नहीं थे, जो हमने अभी दो एग्जांपल देखे थे, जैसे पांडिचेरी हो गया, गोवा, सिक्किम हो गया, इन दोनों की बात करते हैं, गोवा वगैरह देखी जाएगी। तो जब इंडिया ने इनको अपना पार्ट बनाया, यार इनके लोगों को थोड़ी इतना सब फालतू चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, नेचुरलाइजेशन और ये उनका कोई पैदा नहीं हुआ कहीं देश में, ये सब थोड़ी होगा फालतू की जबरदस्ती फॉर्मेलिटी नहीं। इंडिया ने अगर तुम्हारे रीजन को अपने आप में मिलाया है तो बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के कंसेप्ट से आप ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन कहला जाओगे। अगर इंडिया ने ये बोल दिया कि पौंडीचेरी आज से सिटीजन, आज से इंडिया का पार्ट है, All the people residing in Pondicherry are automatically Indian citizen. कल को हम ये बोल दें कि हमने पाकिस्तान पे फतेह कर ली, पाकिस्तान आज से इंडिया का पार्ट है, उनको कुछ प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा, दे आर ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन, ठीक है, समझ गए इनकॉर्पोरेशन? जी हाँ भैया, हाँ भैया। अब लास्ट बचता है कि लॉस, सिटीजनशिप जाएगी कैसे, ठीक है, तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होती है, एक छोटा सा एग्जांपल, हमने यहाँ पर दो चार चीजें ली थी, एक होता है क्या था वो बताओ, रिनन्सिएशन, रिनन्सिएशन, दूसरा क्या था, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन,
तीसरा डिप्रिविलेशन ठीक है। अब एक एग्जांपल के शिवांश नाम का एक लड़का है, वो जाता था एबीसी स्कूल, एडमिशन लिया हुआ था उसने यहाँ पे, स्कूल का प्रिंसिपल था, स्कूल की प्रिंसिपल थी गौतमी, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने एक दिन इससे जाके बोल दिया नहीं रहना तुम्हारे स्कूल में, बाहर में जाए, मैं छोड़ के जा रहा, ठीक है। क्या गौतमी इसको स्कूल से ऑटोमेटिकली निकल चुका है क्योंकि इसने खुद ही बोल दिया नहीं रहना मुझे स्कूल में, ठीक है। सिचुएशन वन समझ में आई, जब शिवांश खुद आके बोल गया कि भाई तुम्हारा स्कूल जाए बाहर में, मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, ठीक है। अरे हाँ या ना समझ में आ रही? हाँ भैया हाँ भैया दिस इज सिचुएशन नंबर वन, ठीक। रेनाउंसिएशन, दिस इज रेनाउंसिएशन, आप खुद ही रेनाउंस कर दे रहे हो, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, आई मेक अ डिक्लेरेशन, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एनीमोर, त्याग पत्र दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया पहली चीज रेनाउंसिएशन। दूसरी चीज कि शिवांश ने जाके ज्वाइन कर लिया बीसीडी स्कूल, तो यार एक बच्चा एक स्कूल में रहता है ना एक बार में, तो गौतमी इसको स्कूल से वैसे किकआउट कर देगी कि यार चलो दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, अब हमारे स्कूल का मतलब ही क्या है, कोई सेंस ही नहीं बनती। तो दिस इज बाय टर्मिनेशन, के अगर आप वॉलंटरली अक्वायर करते हो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप, तो आपकी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया टर्मिनेट हो जाएगी। मान लो गोविंद सिंह कनाडा चले गए, क्या वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे? नहीं नहीं, ठीक है। चले गए मतलब वहां पे उनका वो जो भी एक्स वाई जेड कार्ड बनता है, उधर तो ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, ग्रीन कार्ड तो यूएस का, ट्रक चलाने कुछ भी चलाए, खेती बाड़ी करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर वो जाता है और वहां पे उसको सिटीजनशिप मिल गई, क्या वो इंडियन कहलाएगा? नहीं, क्योंकि सिटीजनशिप यहाँ से टर्मिनेट हो चुकी है तुम्हारी, ठीक है। एक चीज ये होगी, अब शिवांश था बिल्कुल उत्पाती, गौतमी ने गुस्से में आके उसको निकाल ही दिया, दिस इज कॉल्ड डिप्रिवेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रोज यू आउट ऑफ द कंट्री, कब किन केसेस में? पहला केस, अगर आपने कुछ फ्रॉड करा, दूसरा केस अगर आप अपने देश के प्रति डिसलॉयल थे, तीसरा केस अगर आपने वॉर के टाइम पे कम्युनिकेशन किया था, एनिमी नेशन के साथ। ऑब्वियस सी बात है यार, मेरी किसी लड़ाई चल रही है और तुम सामने वाले उसी से जाके बिल्कुल दोस्ती यारी करो, तो मैं क्यों तुमसे दोस्ती रखूंगा, ठीक है। कॉमन सेंस लग रहा है, कॉमन सेंस सा लग रहा है, हाँ। तुम एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बढ़िया, ठीक है, जैसे संजय दत्त ने कर लिया था। हाँ यही बात है, पर तो वो तो संजय दत्त, फिर उसके बाद तुम मुझसे डिसलॉयल हो, मैं तुमसे दोस्ती क्यों रखूंगा, तुम मुझे चीट कर दो, मैं तुम मेरे साथ फ्रॉड कर दो, मैं तुमसे दोस्ती क्यों रखूंगा, दोस्ती वाला कंसेप्ट लगा, ठीक है। अब अगर आप नई सिटीजनशिप मिलने के बाद, इफ यू हैव बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन और जो भी, इसके 2 साल के अंदर अंदर
जेल चले जाते हो 2 साल के लिए, काफी कोइंसिडेंस हो जाएगा वो, लेकिन हाँ, तो आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। ये 4 फैक्टर ही है। 2 साल एग्जैक्टली या 2 से ज्यादा भी हो सकता है जेल। मिनिमम 2 है। आ गया समझ में? हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। लॉस ऑफ सिटीजनशिप ज्यादा इजी था, है ना कोई चीज पाना भैया? डिफिकल्ट वो है, खोना क्या है, सिटीजनशिप, खोने में गया है। हाँ जीवन का ज्ञान मिल रहा है भैया, तो उसमें कोई चीज पाना डिफिकल्ट है, खोना। सिटीजनशिप इज लाइक योर रेपुटेशन। भैया सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? कोई समझा सकता है? जिसने भी आर्ट उठाया समझा दे। सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन में जैसे कोई भी इंडिया अगर एनेक्स करता है, या जो पहले से स्टेट्स या पार्ट्स इंडिया के नहीं थे, अगर वो इंडिया एनेक्स करता है तो उसके सिटीजन्स ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स बन जाते हैं। जैसे जैसे कि पुडुचेरी और सिक्किम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल इंडिया पीओके ले लेगा पाकिस्तान से, उस पर अपनी जीत हासिल कर ले, तो वहां के जितने भी सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। अनंतता, ये तुम्हारा है वेस्ट बंगाल, ठीक है? ये लगा हुआ है साइड में हाँ भाई। बांग्लादेश। अगर मैं कल को ये लाइन मिटा दूं और ये एक हो जाए तो खूब भालो तो हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये पूरा क्या कहलाएगा? इंडिया। इंडियन सिटीजन, या अब जो इस बॉर्डर के उस तरफ रह रहे थे, इनको मैं जबरदस्ती के प्रोसेस में क्यों इन्वॉल्व करूं? इनकी क्या गलती है ना? हाँ तो ये ऑटोमेटिकली कहला जाएंगे इंडियन सिटीजन, ठीक है? दिस इज हाँ कॉल्ड भैया। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। पूरा है वो, इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, ठीक है? समझ गए? कटक हाँ हाँ भैया। भैया आपको बंगाली आती है? में रहा था मैं 1.5 साल, अभी भी जाऊंगा वापस जनवरी में। उड़िया और बंगाली में मात्राओं का ही अंतर है बस। हाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी में हो है, किसी में है कम, क्योंकि ये ऐसी है बस। एक ये है ऊपर से रसगुल्ले की लड़ाई, और कुछ नहीं, ठीक है? तो दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास एंड